कौन? अरे पुणे भैया, हाँ पुणे दादा बोल रहा है। हाँ अरे मैं नजमुद्दीन बोल रहा हूँ। क्या काम है भाई साहब? अरे वो पैसा पेमेंट नहीं आया यार तुम्हारा? यार आपने लगाया जिनके पास? वो पूनम चंद के यहाँ पूनम चंद? कौन पूनम चंद? श्योर। श्योर ने ये गलत लगा भाई साहब, नसिंगल लगा है। अच्छा आप कहाँ से बोल रहे हैं? नसिंगल से कहाँ रहते हो तुम? बलवतपुरे में। देखो तेरे के बलबतपुर में मैं चुदा रहा था क्या? भाई साहब तमीज से बात करो यार जरा यार। क्या तो कौन बोल रहे हैं आप? पूनिया दादा? देखो लैंड का दादा तू? अरे भाई साहब मैं अभी गाली बकने का नहीं हूँ, नहीं तो तुम्हारी मैं जोत दूंगा। गाली बकने का क्यों नहीं है? कहीं एमसी से आ गया क्या? तेरी अम्मा का भोसड़े में घुस जाऊं बहन के लौड़े कुत्ते, तेरी माँ का चूत, तेरी बहन में नंद, बहन के लौड़े कुत्ते कमीने, माँ के लौड़े कहाँ है तू? बोले दादा हाँ क्या कर रहे हैं? ये कौन था बहन का लौड़ा? अरे यार वो तो, अरे यार वो कर्मचारी था अपना यार। अरे तो भैया पहले तू बता तेरी माँ का जो तू कौन बोल रहा है? रोज के रोज ऐसे के तुम्हारी माँ चुदवाते रहते हो बहन के लौड़ो। पुणे दादा, हाँ अरे वो कई पेमेंट वालों कई लफड़ो यार तुम्हारो सेठ जी बोल रहे हैं। कहाँ का पेमेंट है? वो सरिया सरिया और सीमेंट का कहाँ का सरिया और सीमेंट? अभी लेगा ना, मंदिर में काम चल रहा है तुम्हारा, हाँ तो मंदिर वाले जाने, मैं कहीं के जानू? तो तुम्हारे नाम से लिखा रहे हैं यार, तुम्हारा साइन हो रहा है इसमें। काहे का साइन हो रहा है? तुम्हारे नाम से उधार लिखा रहा है सरिया। मैंने मैंने उधार उधार नहीं दिया भैया। तो पुण्य दादा, हाँ तेरी माँ की भौसड़ी तेरी, तो तू ही देगा पैसा? तेरी बहन की छूट दूंगा तेरे को पैसे, बहन के लौड़ा सामने का तेरी माँ छोड़ दूंगा। तो फिर पुणे भैया, हाँ तो पैसा कौन देगा? तो भैया जो सरिया लाया वही देगा नहीं यार। तो तेरी माँ की जूत तू बीच में हाथ जो कर रहा? तो तेरी माँ का चो तू तेरी मैं कहा की आवाज रहा तू? तो पुणे ना पहचान है मोर? ना नहीं पहचाना। अरे यार शाम को मिले था अपन, तेरी गान मारी थी मैंने। अरे तुम्हारा किले पे, किले पे। हाँ तेरी गान मारी थी रात को, तेरी बहन की जो तू चूतिया बनाने के अलावा कोई काम है तो तुम बहन कर लौड़ो और के पास? अरे पुणे दादा, हाँ अरे वो सरिया नहीं आया, वो सरिया का पेमेंट कब करोगे यार? कहाँ का सरिया है यार? अरे वो मंदिर के नाम से ले गए थे नहीं यार तुम? तो भैया मैंने देखा वो लाए होंगे तो पूछ लूंगा मैं। नाम तुम्हारा लिखा रहा पूनम चंद पूनमरा, तेरी माँ का घोसड़ा लिखा रिया बहन के लौड़ा, तेरी माँ चोट दू तेरी अम्मा का घोसड़े में घुस दूंगा आधी रात को बहन के लौड़ा। अरे पूनिया दादा और पूनिया भैया की वहाँ का घोसड़ा और तेरी भी बहन की क्यूट, बहन के लौड़ा काम करने दे तो नहीं तुम्हारी चोट दू एक आज की गुस्सा आ गई तू। अरे पूनिया दादा हाँ नमस्कार, मैं रेडियो बोल रहा हूँ। हाँ कर दुआ भैया यहाँ से बोल रहा हूँ, बारह द्वारी से। हाँ बोलो भाई सर। अरे नमस्कार मैं पूनिया दादा, एक फोन पे इतना सारे कैसा बोल रहा भैया? एक फोन पे इसलिए बोल रहा हूँ कि ये गांडू वन फोकट बात कर रहे थे यार कर्मचारी, मैं बोल रहा हूँ बोलो। कहीं समझा था ना मार के लौड़ा और की नहीं बात है, मैं काट दूंगा नहीं तो एक आध दो की। अरे तो ये न्यू कह रहा है कि पूनिया दादा के नाम से पैसे लिखा रहा, तो तुम्हारा नाम सामान ले रहा था क्या तुम? कहीं भी नहीं ले गया मैं। तो तेरी माँ का भोसा तेरा नाम तो लिखा रहा गांडू? तेरी माँ का भोसा तेरे कर्मचारी से कह नहीं मार के लौड़ा, कोई का नाम को लिख देता है। अरे पुणे भैया हाँ नमस्कार। नमस्कार, तो आप कब देके जा रहे हो पैसा? तेरी माँ का भोसड़ा तुम्हारे पास एक ही काम है ना, बहन के लौड़ा और कुत्ते और तुम्हारी मैं चोट दू, बहन चोट दू तुम्हारी माँ का चोट दू इतना मारूंगा बहन के लौड़ा और तुम्हारी भैया तुम्हारी बहन में लन, तुम्हारी माँ का भोसड़ा और बहन के लौड़ा और एक आध दो की गर्दन काट दूंगा भैया, कुत्ते और तुम्हारी माँ का भोसड़ा चुपचाप रहो तुम बहन के लौड़ा। अरे फोन मत लगा देना, तेरी माँ चोट दूंगा बहन के लौड़ा, तेरी बहन की चुप तेरी अम्मा का भोसड़ा में घुस दूंगा पूरा साबत का साबत। पूरे दादा,